কটু মন্তব্য করেছিলেন বিজেপির মুখপাত্র নূপুর শর্মার মন্তব্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে একাধিক দেশে নূপুর শর্মার ইসলাম বিরোধী আসসালামু আলাইকুম জি ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मेरा नाम सुमन है आप देख रहे हैं मेरे रिएक्शंस तो जी आज हम बात करेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जो की गई है इंडिया में लाइव शो में जिस तरह बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जिस तरह इश्ताल अंगेज़ जो एक स्पीच है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी की गई उसको लेके हर तरफ जो है आवाज़ उठाई जा रही है और पूरी मुस्लिम उम्मा इसको लेके बहुत ज़्यादा दुखी है और इसके ख़िलाफ़ जो है इंडिया के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है अभी मैं आप लोगों सब इंडियन मीडिया की रिपोर्ट शेयर करूंगी बेसिकली वेस्ट बंगाल मीडिया की रिपोर्ट है वो क्या कह रहे हैं अभी इस टाइम उनका कहना है कि बेसिकली इंडिया ने ये सब कुछ करके बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को धमकी दी है तो अभी पहले ये रिपोर्ट देखते हैं एक बहुत ही अफसोसनाक बात के नबी पाक जो हम मुसलमानों के दिलों में सबसे ऊंचा मुकाम है जिसका उसके ख़िलाफ़ जब ऐसी कोई बात की जाए तो सीरियसली आई थिंक के उसके ख़िलाफ़ तो मुसलमानों को डर जाना चाहिए और मुसलमान दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी रिलीजन की कौम है और अगर मुसलमान मिलके इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो इंडिया का क्या होगा आगे शायद इंडिया को ख़ुद भी नहीं पता उनके साथ होने क्या वाला है वेल अभी पहले ये रिपोर्ट देखते हैं देखते हैं इंडियन मीडिया क्या कह रहा है वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले तो चलते हैं देखते हैं वीडियो लेट्स गो अस्सलाम वालेकुम आमंत्रण जाची ग्रीट्यूब इनफोटेनमेंटर आजकल आयोजने साथे आमी हासानुल इस्लाम महानबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपमानजनक मंतव्य कर बीजेपी दुई नेता एरपर पुरो मुस्लिम विश्व तैरी है प्रचंड क्षोभ बांग्लादेश सह विश्व 57 मुसलमान देश संगठन ओआईसी भारत के सरासरि हुमकी प्रदान कर मंतव्य जेरे अर्थनैतिक भावे भारत के शिक्षा दीते जा मुस्लिम देशगुलो इतिमध्ये सऊदी आरबेर सुपार शपगुलोते भारतीय पण्य सरिये फेला हच्छे भारतीय श्रमिकदेर देशे फेरत पाठिये दिच्छे ए निये पोस्ट करा हच्छे टुईटार एबं अन्यान्य सोशल मीडियाय जा निये रीतिमतो घुम हराम होये गियेछे भारतीय मीडियार कि बोलछे तारा आसुन ता देखि হযরত মোহাম্মদ কে নিয়ে কটু মন্তব্য করেছিলেন বিজেপির মুখপাত্র নূপুর শর্মার মন্তব্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে একাধিক দেশে নূপুর শর্মার ইসলাম বিরোধী মন্তব্য নিয়ে দেখা দিয়েছে প্রতিক্রিয়া মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে ভারতীয় পণ্য কার্যত বয়কটের পথে ইতিমধ্যে কুয়েতের সুপারমার্কেটগুলি থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে ভারতীয় পণ্য সামগ্রী এদিকে সৌদি আরব কাতার কুয়েত ইরান সহ বেশ কিছু দেশে থাকা ভারতীয় দূতের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে উল্লেখ্য গত সপ্তাহে একটি সর্বভারতীয় নিউজ চ্যানেলের অনুষ্ঠানে হযরত মোহাম্মদকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মা তার এই মন্তব্যের পর তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় চাপে পড়ে বিজেপি নূপুর শর্মাকে দল থেকে সাসপেন্ড করে তবে বিজেপি নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিলেও তাতে বিষয়টি সমাধান হয়নি নূপুর নিজেও বলেছেন আমার মন্তব্যের জোরে যদি কারো ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগে তবে উনি নিঃস্বার্থভাবে সেই মন্তব্যের প্রত্যাহার করছি তবে নূপুর শর্মা বা বিজেপি বিষয়টি সামলা দেওয়ার চেষ্টা করলেও কোনো লাভ হয়নি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে নূপুর শর্মার মন্তব্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে একাধিক দেশে ভারতীয় পণ্য বয়কট করা হচ্ছে ফলে বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত দেশের ব্যবসায়ী ও সরকার শাসক দল বিজেপিও এ ব্যাপারে স্পষ্টীকরণ দিয়ে বলেছে নূপুর শর্মার মন্তব্যের সঙ্গে বিজেপির আদর্শগত কোনো মিল নেই বিজেপি সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে জানিয়েছেন দলীয় বিবৃতিতে এরকম প্রেক্ষাপটে এই ইস্যুটি কোন পথে এগোয় এখন তাই হবে দেখার প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের প্রথম চ্যানেল বিডিটিউবে অনেক ভিডিওতেই এর আগে বহুবার বলেছি ভারতে এন্টি বাংলাদেশ এবং এন্টি মুসলিম পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি আমরা বিডিটিউবের পক্ষ থেকে বিজেপির দুই নেতার বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সব মুসলিম বিশ্বটা আপ লোগোনে দেখি হ্যায় তো বেসিক্যালি ইন্ডিয়া কি বিজেপি কি হুকুমরান জামাত কি জো স্পোকস পারসন হ্যায় উনকে ইস
लाइव शो में इश्ताल अंगेज बातों के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के बाद, अब जो है दुनिया के 57 ममालिक, मुसलमान ममालिक बांग्लादेश समेत, इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि इंडिया में ये सब कुछ जो चल रहा है, इससे पहले तो वहाँ पे जो भी हिंदू मुस्लिम का फसाद है वो तो था, लेकिन अब जो है जो किया गया है उस पर कोई भी खामोश नहीं रहेगा और चीज़ों का बायकॉट किया जा रहा है और बायकॉट किया भी जाना चाहिए, हर मुस्लिम कंट्री इसको बायकॉट करेगी। वेल लेट्स सी आगे क्या होता है। आप लोगों से मैं मज़ीद रिपोर्ट्स भी शेयर करूँगी, आप लोगों ने स्टे ट्यून्ड रहना है। वीडियो के बारे में आपकी जो भी ओपिनियन है आप लोग लाजमी शेयर करनी है कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। आई विल सी यू गाइस सेवन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।